उत्तर प्रदेश में वैसे तो ये वक्त राजनीति का है, क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव होंगे। इससे पहले सभी पार्टियां जनता के दिल में अपनी जगह मजबूत करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस सियासी गहमा गहमी के बीच एक खबर वसीम रिजवी भी हैं। कल तक शिया मुस्लिम रहे रिजवी अब सनातनी हो गए हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कहे रहे हैं। उनका सम्मान के साथ स्वागत है। पहले भी सब हिंदू थे, आज वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। जो भूतपूर्व हिंदू हैं वो वर्तमान हिंदू बन रहे हैं। मैं वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हूँ। मैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अब मैं सनातनी हूँ। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पर चुनरी और महादेव का जलाभिषेक। ईमान तो इस्लाम था पर भरोसा डिग गया, और कल तक जो जुबान अल्लाह का नाम ले रही थी अब वो राम राम कह रही है। वसीम रिजवी गाजियाबाद के डासना मंदिर में पूरे रीति रिवाजों के साथ सनातनी हो गए। नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया और यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज ने इस पर मुहर लगा दी। जो भी मुसलमान सनातन धर्म की तरफ आता है उसे गुमराह करते हैं कि भाई तुम सनातन धर्म में जाते रहे हो, वहां तुम्हें स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि सनातन धर्म तो जातिवाद में बटा हुआ है। लेकिन फिर भी वसीम भाई को इस असुविधाजनक सवाल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने पिताजी से बात की, अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने भाई से बात की, अपने चाचाओं से बात की और त्यागी समाज के लोगों से बात की। सबने सहर्ष ये स्वीकृति दी कि वसीम भाई को आज के बाद हमारे परिवार का एक हिस्सा माना जाएगा। तो रिजवी साहब लौट के सनातनी हो गए और इसके लिए कर्मकांड पूरे हुए। डासना मंदिर में वसीम रिजवी का शुद्धिकरण हुआ, हवन यज्ञ हुआ, यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज की देखरेख में सारे अनुष्ठान पूरे किए गए और अब नया नाम, नई पहचान, और इसके साथ ही बदल गई है रिजवी साहब की जुबान भी। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। कभी कुरान की 26 आयतों के खिलाफ याचिका, कभी मदरसे पर विवादित बयान, कभी अयोध्या में श्री राम मंदिर का समर्थन और कभी योगी मोदी की तारीफ। वसीम रिजवी ने बातों बातों में इस्लाम में रहकर ही शोहरत पाई और अब सनातनी होकर उनकी पहचान बेशक बदल गई है, लेकिन जुबान कितनी बदलेगी ये देखने की बात है। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो ना, सबको सन्मति दे भगवान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.